अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई नजर आते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना रियासत में कोविड 19 के पेशेंट की निगरानी और मदद करने के मकसद से शहर हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से कोविड कमांड सेंटर का कायम अमल में लाया गया। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने आज वेंगराव नगर में आकर इसकी इब्तदा की। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केटी रामाराव ने आज एलबी नगर फतेहउल्लाह गुड़े में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इब्तदा अंजाम दिया। इस प्लांट में कचरे से कंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार किया जाएगा। कृष्णा नदी पर प्रोजेक्ट की तामीर का मामला गरमाते जा रहा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कृष्णा नदी पर गैर कानूनी प्रोजेक्ट के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सीरियस हो गई है और आंध्र प्रदेश हुकूमत के खिलाफ एनजीटी में पिटीशन डालने का किया गया फैसला। तेलंगाना मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि अगर कृष्णा नदी का पानी के तकसीम में कुछ नाइंसाफी होगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका जिम्मेदार इन्होंने साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को ठहराया और वहीं पर लीडर से अपील की है कि कृष्णा नदी का जो पानी है उसके इंसाफ के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में वजू खाने, टॉयलेट्स और मुहाजिर कैंप के जैसे कामों को अंजाम दिया गया। काम मुकम्मल हो चुका है, जिसकी इब्तदा के लिए आज एआईएमआईएम के पेशेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मक्का मस्जिद का दौरा किए। तेलंगाना स्टेट फेस्टिवल बोनालू 13 जुलाई को तारीखी गोलकुंडा फोर्ट से शुरू होगा। मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। आज इस सिलसिले में डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में की डिपार्टमेंट के साथ श्रीनिवास यादव ने मीटिंग की और होम मिनिस्टर महमूद अली, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी, मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सजीनर महेश भागवत, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार भी मौजूद थे। सिविल सप्लाई एएसओ ऑफिसर सरोजा ने आज पीडीएस राइस की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक एएसओ सरोजा ने आज राजेंद्र नगर के खिस्मतपुर इलाके में पीडीएस चावल, जो के राशन कार्ड रखने वाले गरीब अफराद को दिया जाता है, इसको दूसरी रियासतों में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर सरोजा ने जो है पुलिस को इतला देते हुए इस गाड़ी के ड्राइवर को और गाड़ी को सीज करवाया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया पेश आया मेडचल के केसरा में, जहां पर आधी रात के वक्त एक ऑटो ड्राइवर को जरूरत आती है और जरूरत से फारिग होने के लिए जो साइड में अपना ऑटो रोकता है और जरूरत से फारिग होने के लिए जाता है, वहीं झाड़ियों में से एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। फिर बाद उसके ऑटो ड्राइवर जाकर झाड़ियों में देखता है तो 2 हफ्ते का मासूम बच्चा झाड़ियों में पड़ा होता है। फिर बाद उसके वो जो है पुलिस को इतला करता है। पुलिस जो है मौके वारदात पर पहुंचती है और एग्जामिन के बाद बच्चे को जो है नागाराम केयर सेंटर भेजा जाता है। तेलंगाना में अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाली वाईएस शर्मिला ने आज तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर के हल्के असेंबली सिरीकला का दौरा किया। इनकी यहां आमद पर लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और वहीं पर उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि जिस किसी की भी घर में कोविड से मौत हो जाती है उनके घर वालों को जो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वाईएस शर्मिला जो है श्रीकला के दौरे पे थी, उसी दौरान जो है डॉक्टर पंचलाया के घर भी जाती है। वहाँ पर उनको एक अजीब और गरीब गिफ्ट मिल जाता है। वो गिफ्ट जानकर आपको हैरानगी होगी, क्योंकि डॉक्टर पंचलाया ने उन्हें एक सिल्क साड़ी गिफ्ट की। अब साड़ी तो साड़ी है, इसमें खास बात क्या है तो मैं इसकी खासियत आपको बताता चलूँ कि सिल्क साड़ी जो है एक मैच बॉक्स के डब्बे में फोल्ड कर भी आप रख सकते हैं। ये खासियत है सिल्क साड़ी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुजूराबाद के बाय इलेक्शन को लेकर एक इशारा दे दिया है, जो सियासी पार्टियों को इस बात का पता चल गया है कि सितंबर के महीने में शायद हुजूराबाद में बाय इलेक्शन हो भी सकता है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एसएससी और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। रियासत के एजुकेशन मिनिस्टर ए सुरेश ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हुकूमत ने स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान ना हो इसलिए एग्जाम्स कैंसिल करने का फैसला लिया है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं,
खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।